साइड में देख सकते हैं जितना भी गांव है सब डूब गया है, पानी इतना ज्यादा हुआ है ना, देख रहा है बारिश बहुत ज्यादा हुआ है, ये पानी आया है नेपाल डैम से। देख सकते हैं हमारा अंडा कड़ी बन के एकदम रेडी हो गया है, अभी अंडा का सब्जी बना रहे हैं क्योंकि कोई सब्जी उब्जी यहाँ पे है ही नहीं है, अंडा का सब फ्राई करके रख दिए, इधर चावल हो गया हमारा। अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हालत ख़राब हो गया, अब इसी को बनाने में जितना लेट लगेगा उसके बाद आएगा अपना पार्टी जो है गाड़ी लेके जाएगा, देखते हैं किधर लगाता है। अब इसको प्याज भून दिए, अब इसमें अदरक लहसुन जो खुश के रखे हैं ये वाला डाल देते हैं। मसाला भी भून रहे हैं, मसाला डाल दिए इसमें, मसाला उसका भून लेंगे खूब बढ़िया, प्याज हल्का सा गल जाएगा हमारा, उसके बाद टमाटर डाल के इसको पकाएंगे। मसाला हमारा हो गया, मसाला भून गया है, मसाला बढ़िया से भून दिए हैं, प्याज भी लगता है हमारा 50% से ज़्यादा गल ही गया है, और इसमें हम क्या करेंगे टमाटर डाल दे रहे हैं, ठीक, टमाटर को इसी में हम पकाएंगे और टमाटर के साथ साथ प्याज भी गलता ही रहेगा, हल्का इसको ढक के रखेंगे ताकि थोड़ा जल्दी टमाटर बन जाए। इसमें हम हल्का एक एवरेस्ट का गरम मसाला डाल दिए हैं मीट वाला, और हल्का सा इसमें जायका अनुसार जितना डालना चाहिए उतना नमक डाल दिए हैं, और ज़्यादा कोई मसाला अलग से नहीं ऐड किए हैं, बस वही एक पैकेट डाले हैं बस। और पहले क्या किए हैं कि 4 खड़ा वाला जीरा डाल दिए हैं, अदरक लहसुन प्याज बस। देख सकते हैं हमारा टमाटर मसाला सब कुछ रेडी हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे ये जो आलू रखा हुआ है इसको अभी डाल के इसमें मिक्स करेंगे। आलू भी इसमें मिक्स हो गया, थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट भूनेंगे, उसके बाद हल्का पानी ऐड कर देंगे इसमें, हमारा कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं ये जितना पानी हमको डालना था उतना पानी ऐड कर दिए हैं इसमें, अभी इसमें हम हमारा ये फाइनल हो गया। अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि लास्ट में जो अंडा हम फ्राई करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे, अब इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, तकरीबन 2-3 मिनट तक इसमें ये रहेगा, और इसको हल्का आंच पर ढक दे रहे हैं ताकि ये बढ़िया से इसमें मिक्स हो जाए, इसका मसाला वसाला जो भी है फाइनली मिक्स हो जाए, और ये रेडी हो गया हमारा। हेलो दोस्तों, अभी हम गोरखपुर बाईपास में खड़े हैं, गाड़ी हमारा खाली नहीं हुआ है, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, तो सोचे कि नहावा के थोड़ा टहल वहल लें, तो आए हैं यहीं पे टहलने के लिए, पास में 1 किलोमीटर से कम ही होगा वहाँ पे गाड़ी हमारा खड़ा है, आज भी खाली नहीं हुआ। और ये जो सामने रोड देख रहे हैं ये जो बस घूम के उधर से जाएगा ना, सीधा जो जाएगा उधर देखिए जो बस जा रहा है ये आपका चला जाएगा लखनऊ में, और ये जो ओवर ब्रिज ऐसे जो जाएगा ये चला जाएगा आपका बिहार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज दूसरा दिन हो गया क्योंकि 10 तारीख को यहाँ रात में पहुँचे थे, 11 को खाली नहीं हुआ, आज 12 है, आज बोला है 10 बजे के बाद खाली करेगा, तब तक हम अभी 9 बज रहा है तो सोचे कि तब तक खाना वाना बना लें, दाल भात और ये हम लोग का चोखा है, टमाटर वमाटर डाल के फ्राई कर देंगे इसको, इसके लिए प्याज लहसुन अदरक सब काट दिए हैं, हमारा दाल चावल रेडी हो गया है, अभी इसमें 4 जीरा डाले हैं, तेल गर्म नहीं हुआ था तभी डाल दिए जल्दी जल्दी, तो ठीक है बनाते हैं। 10 बज गया, देखिए गाड़ी अभी खड़ा है हमारा यहीं पे, और जिसी कंपनी में घुसेगा, अभी तक आया नहीं है, लो देखते हैं कब तक आता है, अब बारिश हुआ है रात में, देखिए बारिश भी ज़्यादा हो गया है रात में, अभी धूप भी तेज निकल रहा है, देखते हैं कब तक घुसता है गाड़ी अंदर। हेलो दोस्तों, माल हमारा खाली हो गया है, देख सकते हैं अभी गोरखपुर से 7-8 किलोमीटर आगे आए हैं पौड़ी रामपुर, इतना बारिश हुआ है ना, ये नदी नहीं है बाढ़ का पानी है, देखिए इधर उधर घर और सब डूब गया दोनों साइड से, ये कहाँ तक है तकरीबन समझ लीजिए 15-16 किलोमीटर तक है, क्योंकि हम उधर से आए थे रात में, इतना डर लग रहा था हमको,
ये लाइन का पोल जो है सब अंदर में डूब गया है। ज्यादातर इसमें गांव नहीं है, गांव उधर है, गांव में भी पानी गया है। ये सब खेत है जो खेत सारा डूब गया है। ये पानी कहाँ से आया, हो सकता है नेपाल से आया हो। यहाँ गाड़ी लगाए हैं लोड करने के लिए। यहाँ से सूजी लोड होगा, सूजी लोड होगा या मैदा लोड होगा। आज देखिए बना रहे हैं स्पेशल क्या है, मूंग का दाल है, इसमें थोड़ा मसूर का दाल डाल दिए हैं, टमाटर मिर्ची अदरक लहसुन सब काट दिए हैं इसमें, और इसमें मिला के हल्दी थोड़ा नमक ज़रा सा तेल, इसको बैठा देंगे। ये होगा आपका स्पेशल दाल बनेगा आज। इसमें सब कुछ डाल दिए हैं, अब इसको थोड़ा मिला दे रहे हैं। सब इसमें ऐड हो गया, अब ये रहा पानी। अभी बनने के लिए रेडी हो गया दाल, एकदम बेस्ट बन के रेडी हो गया हमारा। एक अब भिंडी का भुजिया जा रहे हैं बनाने, इसके लिए लहसुन और मिर्ची प्याज और ये थोड़ा सा जीरा है इसका यूज करेंगे, और कुछ नहीं डालेंगे, हल्का सा नमक तेल। प्याज हमारा रेडी हो गया सब कुछ, अब इसमें भिंडी डाल दे रहे हैं। हल्का सा इसको भून के उसके बाद इसमें सिर्फ नमक ऐड कर देंगे, बस हो गया। भुजिया रेडी हो गया हमारा। भुजिया तो एक नंबर हो गया, लगता है अचार बन गया। ये जला नहीं है लेकिन एकदम बेस्ट फ्राई हो गया भिंडी का भुजिया, देख रहे हैं। और दाल भी हमारा रेडी हो गया, उधर दाल भी रेडी है और चावल अब बन रहा है। अभी चावल बैठाए हैं और बारिश हल्का हल्का हो रहा था, गाड़ी पूरा भींग गया है हमारा। देखते हैं आज लोड होता है कि नहीं, क्योंकि सब गाड़ी खड़ा है, पहले से भी एक दो गाड़ी खड़ा है। आज तीसरा दिन हो गया यहाँ, अंदर में गाड़ी लगा है, रात में घुसा दिया था अंदर में। मौसम लग रहा है कि बारिश होने वाला है, इसीलिए साइड में इधर लगाए हैं कि बारिश होगा तो गाड़ी भूंगेगा नहीं। लेकिन अभी लोडिंग के लिए कोई गाड़ी लगेगा तो फिर हमको निकालना पड़ेगा बाहर। आज तीन दिन हो गया और ट्रांसपोर्टर इतना झूठ बोल रहा है ना, मत पूछिए। जब से हम आए तब से बोल रहा है कि आज सुबह में घुस जाएगा या रात में घुस जाएगा। तो कल शाम को हम यहाँ बात किए तो बोलता है कि नहीं, हम ट्रांसपोर्टर से पहले ही बोल दिए थे कि तीन दिन के बाद आपका गाड़ी लोड होगा। इतना ज्यादा झूठ बोल के गाड़ी लगाता है लोग, मत पूछिए। आज तीसरा दिन हो गया, देखते हैं कि गाड़ी आज लगा है अंदर में तो लोडिंग कब होगा, क्योंकि एक गाड़ी और है उधर, देख सकते हैं उसके शो पे तिरपाल डाला हुआ है, उसको पांच दिन हो गया अंदर में।